उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर की तहसील शाहबाद में दबंग भूमाफियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है और प्रशासन मूक दर्शक साबित होता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के आदेशों को नहीं मान रहे प्रशासनिक अधिकारियों के संघर्षन में कब्जाई जा रही है। गरीब किसानों की खेती की जमीनें दर्जनों किसानों ने तहसील शाहबाद उपजिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई इंसाफ की गुहार और दबंग भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। रामपुर कोतवाली शाहबाद क्षेत्र की रहने वाली विधवा महिला मुशत्री बेगम सहित कई किसानों की जमीन पर क्षेत्र के भू माफिया अवैध तरीके से कब्जा करने पर तुले हुए हैं। यही नहीं, आसपास के किसानों की जमीन को ट्यूबवेल के पानी से भी रोका जा रहा है, जिससे क्षेत्र में सिंचाई भी किसान नहीं कर पा रहे हैं। इतना सब कुछ हो रहा है पर स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चकबंदी के लिए सिक्वाई टीम का गठन किया था। उस टीम का अता पता ही किसानों को मालूम नहीं है, सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति की जा रही है। और होगा 3-4 साल और वो मैं जाती हूँ तो मुझे सब धक्का दिया, मुझे चले ही नहीं जा रहा है। बहुत तबीयत खराब है मेरी। अब बताओ पैसा इसमें लगाएं या अपनी दवाई करें? मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं और हम जमीन मिलना चाहिए। किसने छीनी तुम्हारी जमीन? कुंदन तिवाड़ी ने। कितनी जमीन है? 8। 8 बीघा। कितने लोगों की और छीनी है? टीम भी बनाई गई है, अभी तक वो भी जो है इनकी समस्याएं नहीं सुन पा रही। टीम के अधिकारी तक नहीं जानते ये लोग। क्यों देरी हो रही है, क्यों विलंब हो रहा है? मैंने बात की है, ये बताया गया है कि चकबंदी का स्टाफ कम है और पूरे जिले का जो चकबंदी काम देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी जो शिकायतें हैं और जो निर्देश है शासन के, उसको पूरा कराने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और जिला बंदोबस्त अधिकारी से वार्ता करके इस समस्या का शीघ्र निस्तारण कराएंगे। एक चीज और भी सामने आई है, शाबाद के अंदर ज्यादातर सिंचाई की भी बड़ी समस्या आई है। जो भूमाफिया है जिनके पास वो ट्यूबवेल लगी है, वो ट्यूबवेल अपने ही खेतों को पानी देते हैं, दूसरी जगह पानी ही नहीं देते किसानों को, गरीब किसानों को। जी, ऐसे ट्यूबवेलों का सर्वेक्षण कराएंगे हम। रामपुर यूपी से जाट टीवी न्यूज के लिए अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट।